चैनल बंसल भाईडियो जी, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं आई डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम आई डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स के बारे में देखिए तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जान लेते हैं, समझिए यहाँ पर हमारी आंखों पर लाइट पड़ती है, तो जो सबसे पहली लाइट है वो कहाँ पर पड़ती है, कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के थ्रू फिर वो लाइट कहाँ जाती है, लेंस के पास जाती है, और लेंस के थ्रू हमारी लाइट जो है वो किसके पास जाएगी, रेटिना के पास जाती है। रेटिना के पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस लाइट को फिर हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे यही देखना है कि ये जो लेंस है, ये जो रेटिना है, ये किस तरीके से डेवलप होते हैं, ये जो हमारे आई के पार्ट होते हैं, तो इसी के बारे में आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पे आई डेवलपमेंट होता है ना, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ आता है इंडक्शन और एक चीज़ आता है कॉम्पिटेंस। दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे पूरी की पूरी आई डेवलपमेंट जो है वो बसी हुई है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, इंडक्शन का मतलब हुआ कि इंड्यूस करवाना, कुछ तो इंड्यूस करवा लो। समझो मेरे पास यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, ये सेल क्या करेगा, ये सेल यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा। सिग्नल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल्स पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। पैराक्राइन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, जो कि आसपास में ही जाते हैं। तो इस सेल ने सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किए तो ये कौन सा हो जाएगा, ये इंड्यूसर हो जाएगा, जो किसी चीज़ को इंड्यूस करवा रहा है, किसी और को बोलेगा भाई तू ये काम कर। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक सेल प्रेजेंट होगा जिसके पास क्या होंगे, इस पैराक्राइन फैक्टर्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेगा, जो इस पैराक्राइन रिसेप्टर से, जो पैराक्राइन फैक्टर है उससे बाइंड होगा। उससे बाइंड होने के बाद यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। उसने क्या किया, यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट किया। अब अगर हमारी बॉडी में देखें, हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं, लेकिन इतने सारे सेल्स होने के बावजूद भी सिर्फ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे क्या कर पाएंगे, रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे इनके बारे में देखें तो इनको मैं क्या बोल सकती हूँ, इनको मैं रिस्पॉन्डर सेल्स बोल सकती हूँ, जो कि इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब ये जो रिस्पॉन्डर सेल है, इनके पास ये एबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, इसी चीज़ को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, इसी चीज़ को कहा जाता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रिसीव, एबिलिटी टू रिसीव, हम रिसीव कर सकते हैं सिग्नल को और उसी के साथ साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सिग्नल को, रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल। ये सिग्नल मुझे आया कहाँ से, ये सिग्नल मुझे आया इंड्यूसर से। तो मैंने आपको कहा जो पूरे का पूरा आई डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों पे ही बसा हुआ है, एक तरफ इंड्यूसर और एक तरफ यहाँ पे कॉम्पिटेंस। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरीके से आई डेवलपमेंट शुरू होता है। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर कोई सेल है, मुझे इस सेल से क्या बनवाना है, मुझे इस सेल से बनवाना है लेंस, ठीक है। तो सबसे पहला ये वाला जो सेल है जिससे मुझे लेंस बनाना है, ये अभी तक कॉम्पिटेंट नहीं है, इसको ये अभी तक कॉम्पिटेंट ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि इसको जब मैसेज आए तो भाई ये रिप्लाई तो कर सके, मतलब ये रिस्पॉन्स तो कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक इंड्यूसर सेल आएगा। ये इंड्यूसर सेल यहाँ पर क्यों आया, ये इंड्यूसर सेल इसलिए आया ताकि इस सेल को क्या बना सके, इस सेल को कॉम्पिटेंट बना सके। तो यहाँ पर पहले एक इंड्यूसर सेल आएगा जो कि इस सेल को क्या बना देगा, कॉम्पिटेंट बना देगा। जब ये सेल कॉम्पिटेंट हो जाएगा तब यहाँ पर सेकेंड इंड्यूसर आएगा जो कि यहाँ पर क्या करेगा, जो कि यहाँ पर इसको एक्चुअल में मैसेज देगा कि तुम क्या बनाओ, तुम लेंस बनवाओ। तो एक्चुअल में जो लेंस बनवाने का मैसेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस इंड्यूसर से आ रहा है जो कि बाद में आया। लेकिन पहले इंड्यूसर ने क्या किया, इसको कॉम्पिटेंट बनाया कि तुम्हें इतना काबिल बनाया कि तुम उस इंड्यूसर की बात तो सुन सको जो बाद में आ रहा है। तो अब ये कैसा होता है, पहले कौन से इंड्यूसर आते हैं और बाद में कौन से आते हैं, आइए हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, गैस्टुला स्टेजेस की बात करें, आपको पता होगा गैस्टुला स्टेजेस में टोटल 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी बनाती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मीसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म। बस यही लेयर्स है जिनका रोल आ रहा है आई डेवलपमेंट में भी। आई डेवलपमेंट में भी अभी हम क्या देख रहे हैं, लेंस का डेवलपमेंट देख रहे हैं कि लेंस का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर शुरुआत किससे होती है, शुरुआत यहाँ पे होगी मीसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म से। समझे मैंने कहा, ये जो मैंने आपको पूरा ऑरेंज कलर की जो बाउंड्री बनाई है, ये मैंने आपको कह दिया कि ये क्या है, दिस इज एक्टोडर्म। ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, इसको मैं बोल देती हूँ एक्टोडर्म, जस्ट अ सेकंड, इसको मैंने बोल दिया ये है एक्टोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म होती है सबसे आउटर लेयर होती है, इसके जस्ट अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके जस्ट अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है मीसोडर्म, जो कि यहाँ पर एक्टोडर्म को मैसेज देने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, ये है एंडोडर्म।
ये सब हम कब देख रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में, ये सब हो रहा है अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में, यानी कि अभी गैस्ट्रुला होना शुरू ही हुआ है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो एंडोडर्म है और ये जो मीजोडर्म है, ये सबसे पहले मैसेज देंगे एक्टोडर्म को और फर्स्ट इंड्यूसर के तौर पर वर्क करेंगे। और ये जो एक्टोडर्म है इसको कैसा बनाने का काम करेंगे, कॉम्पिटेंट बनाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो इन दोनों से आता है। अगर हम यहाँ पे देखिए, जो एंडोडर्म है ये फ्यूचर में क्या बनाने वाली है, फ्यूचर में बनाती है फोरगट, ये क्या बनाती है फोरगट। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, मीजोडर्म यहाँ पे किसकी सिंथेसिस करने वाली है, हार्ट की सिंथेसिस करने वाली है, ये क्या बनाएगी, ये हार्ट को बनाएगी। एक्टोडर्म में यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोल सकते हैं प्रिजम्पटिव लेंस सेल्स। प्रिजम्पटिव लेंस सेल्स यानी कि हमें पता है कि फ्यूचर में इनका वही फेट होगा, लेकिन अभी हमको वो फेट पूरा बनवाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे हमें, आपको पता होगा कि हमारी भी किस्मत में लिखा होता है कि हमको क्या बनना है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है ताकि हम उस किस्मत तक पहुंच सके, हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो सेल्स है उनको क्या बनना है, उनको यहाँ पे प्रिजम्पटिव है, ये प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल लेंस सेल है, यानी कि इनको क्या बनना है, फ्यूचर में जाके इनको बनना लेंस सेल ही है, लेकिन इनको वो पूरा सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे ताकि ये लेंस सेल बन सके। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले मैसेज कहाँ से आएगा, मीजोडर्म और एंडोडर्म से आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको मैसेज देंगे। यहाँ पर ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये इधर से इसको मैसेज दे रहे हैं, इधर से ये मैसेज को दे रहे हैं। किसको मैसेज दे रहे हैं, प्रिजम्पटिव लेंस सेल्स को मैसेज दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इनको जब मैसेज मिल जाएगा ना, तब यहाँ पर जब लेट गैस्ट्रुला स्टेज आ जाएगी, तब लेट गैस्ट्रुला स्टेज में ये जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स है, ये एक फैक्टर को रिलीज करने लगते हैं। ये किसको रिलीज करने लगते हैं, OTX2 को क्या करेंगे, रिलीज करेगा। कौन रिलीज कर रहा है यहाँ पे, ये जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल लेंस सेल है, ये लेट गैस्ट्रुला स्टेज में इसको रिलीज करेंगे। तो पहला मैसेज किससे आया, मीजोडर्म और एंडोडर्म से आया, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने OTX2 बनवाया। किसने बनवाया, एक्टोडर्म के सेल्स ने। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज और आगे बढ़ेगी और डेवलपमेंट चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आएगी अर्ली न्यूरल स्टेज। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, अर्ली न्यूरल स्टेज होती है। अर्ली न्यूरल स्टेज का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसकी सिंथेसिस हो रही है, न्यूरल प्लेट की सिंथेसिस हो जाती है। शायद आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूरल प्लेट है वो भी कहाँ बनती है, वो भी एक्टोडर्म से ही बनती है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, एक्टोडर्म का जो सबसे इंटीरियर पोर्शन था यहाँ पे क्या बन चुका है, इससे उससे बन चुका है न्यूरल प्लेट, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है न्यूरल प्लेट। अब यहाँ पर वो वाले सेल्स ऐसे के ऐसे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे इधर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी ये सेल्स प्रेजेंट है, जो कि प्रिजम्पटिव लेंस सेल है। इसके बाद यहाँ पर जो एक्टोडर्म, सॉरी जो एंडोडर्म और मीजोडर्म थी, उनकी डेवलपमेंट और हो चुकी होगी, ग्लैस्टूला स्टेज आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर इस तरीके से मीजोडर्म जो है उसकी डेवलपमेंट और हो चुकी है, और ऐसे ही यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये जो एंडोडर्म है इसकी भी डेवलपमेंट और हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे काम किससे है, मुझे यहाँ पे न्यूरल प्लेट से काम है। क्यों, क्योंकि न्यूरल प्लेट यहाँ पर सेकेंड इंड्यूसर के तौर पे वर्क करेगा, और ये क्या करने वाला है, ये भी यहाँ पे मैसेज देने वाला है प्रिजम्पटिव लेंस सेल को। तो यहाँ पर इसने, न्यूरल प्लेट ने क्या किया, इसको मैसेज दे दिया। इसी तरीके से न्यूरल प्लेट ने इस प्रिजम्पटिव लेंस सेल को मैसेज दे दिया। इस रिस्पॉन्स के बदले में इसने क्या रिलीज किया, इसने यहाँ पे रिलीज किया PEX-6 का एक्सप्रेशन। इसने यहाँ पे क्या किया, PEX-6 का एक्सप्रेशन किया, और ये जो PEX-6 था यही मुझे चाहिए था, इसी का मुझे एक्सप्रेशन चाहिए था। क्योंकि PEX-6 क्या बनाएगा, PEX-6 इन सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाएगा। वो क्या बनाएगा, ये जो प्रिजम्पटिव लेंस सेल्स है इनको कॉम्पिटेंट बनाएगा टू रिस्पॉन्ड। किससे रिस्पॉन्ड करना है, हमें फाइनल इंड्यूसर से रिस्पॉन्ड करना है। वो जो फाइनल इंड्यूसर है वो क्या होता है, ऑप्टिकल वेसिकल है। वो जो फाइनल इंड्यूसर है वो कौन सा होता है, ऑप्टिकल वेसिकल होता है, जो कि बोलेगा हाँ अब तू लेंस बन जा, तू पक्का लेंस बन, उसके लिए कॉम्पिटेंट बनाए। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी तो ऑप्टिकल वेसिकल बनती है। अभी ऑप्टिकल वेसिकल क्या होती है, उसको हम बेसिक सा थोड़ा सा समझ के देख लेते हैं। समझो इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और इस तरीके से मैंने कहा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका, ये एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक्टोडर्म के जस्ट नीचे इधर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रेन। अब ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में यहाँ पे दो बल्ज आउट होंगे। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे दो स्ट्रक्चर्स जो है वो बल्ज आउट होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल वेसिकल या फिर ऑप्टिक वेसिकल।
ये जो ऑप्टिक वेसिकल है ये एक्चुअल में क्या देंगे, ये एक्चुअल में मैसेज देंगे फाइनली एक्टोडर्म को, एक्टोडर्म के उन सेल्स को, और उन सेल्स को बोलेंगे कि हाँ तुम लेंस बना लो, अब कंफर्म है कि तुम लेंस बना लो। तो अब किसका रोल आने वाला है, अब उनका रोल आने वाला है। और यहाँ पर ये सब हो किस पाया, ऑप्टिक वेसिकल जो मैसेज देगी उसको, जो एक्टोडर्म है वो ले क्यों पा रही है, क्योंकि उसके पास पैक सिक्स का एक्सप्रेशन है, पैक सिक्स ने उसको पहले से ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे कौन सी स्टेज आएगी, अब यहाँ पे आ जाएगी लेट न्यूरल स्टेज। न्यूरल स्टेज में तो हमें पता है न्यूरल प्लेट ने मैसेज दिया था, अब यहाँ पर आ जाएगी लेट न्यूरल स्टेज। लेट न्यूरल स्टेज में अब किस तरीके का रोल आएगा, समझिए मैंने इस तरीके से कहा, फिर से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर प्रेजेंट है एक्टोडर्म, यहाँ पे समझ लीजिए फिर से यहाँ पे प्रेजेंट है प्रिजम्पटिव लेंस सेल्स, इधर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने आपको कहा था इस तरीके से ब्रेन प्रेजेंट, और ब्रेन से यहाँ पर क्या हो चुका है, स्ट्रक्चर बल्ज आउट हो चुका है, इस तरीके से यहाँ पे बल्ज आउट हो चुका है, और ये क्या बना चुका है, ये यहाँ पे बना चुका है ऑप्टिकल वेसिकल। इस तरीके से इसने क्या बना लिया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ऑप्टिकल वेसिकल, या फिर हम उसको ऑप्टिक वेसिकल भी कह सकते। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे सिग्नल को रिलीज करेगा। अगर मैं यहाँ पर इतना सा स्ट्रक्चर आपको जूम करके दिखाऊं किस तरीके के सिग्नल रिलीज हो रहे हैं, तो समझे इस तरीके से यहाँ पर है ये ऑप्टिकल वेसिकल, ये क्या करेगा, दो सिग्नल्स को रिलीज करता है। यहाँ पर एक तो ये रिलीज करता है BMP4 नाम के एक मॉलिक्यूल को, और उसी के साथ साथ ये रिलीज करता है FGF8 को। इन दो सिग्नल मॉलिक्यूल को ये रिलीज करेगा। ये दो सिग्नल मॉलिक्यूल हैं, उनको रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करेगा एक्टोडर्म। इसने रिसीव कर लिया एक्टोडर्म में, एक्टोडर्म के पास अब क्या प्रेजेंट है, इनके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्योंकि अब ये कॉम्पिटेंट हो चुका है उनके लिए, तो ये इन सिग्नल्स को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, और उसके हिसाब से अब क्या कर सकेगा, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर ये जो BMP4 और ये जो FGF8 होते हैं ये ऐसा करते क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रिस्पॉन्स क्रिएट हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ BMP4 और FGF8 दोनों के दोनों डिफरेंट सिग्नलिंग चलाने वाले हैं इन सेल्स में। BMP4 जो है यहाँ पर लेंस सेल जो है, प्रिजम्पटिव लेंस सेल है, उसको उसमें क्या करवाएगा, उसमें यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनवाएगा SOX, SOX का है, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि और आरएनए बनवाएगा, प्रोटीन्स बनवाएगा, जो कि यहाँ पे लेंस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके थ्रू होता है, यहाँ पर एक सिग्नलिंग चलती है जिसको बोलते हैं TGF बीटा पाथवे सिग्नलिंग की वजह से यहाँ पे ये पूरा होता है। उसी के बाद इसने भी FGF ने भी यहाँ पे क्या किया, लेंस सेल्स को मैसेज दिया, और लेंस सेल से क्या बनवाया, LMAF बनवाया। ये जो फैक्टर होता है ये भी सेम क्या है, ये भी सेम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे वर्क करता है। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये भी क्या करेगा, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे ही वर्क करता है। किस थ्रू होगा, यहाँ पे RTK पाथवे के थ्रू होता है। अगर आपने पढ़ा होगा सेल सिग्नलिंग में दो पाथवे बहुत तरीके की होती है, तो RTK पाथवे एंड TGF बीटा पाथवे, यहाँ पे दोनों अलग अलग पाथवे चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ किस तरीके से कंडीशन है, यहाँ पर फाइनली इन दोनों ने ये बोला कौन से सेल्स को, प्रिजम्पटिव लेंस सेल्स को, कि तुम क्या बनाओ, तुम भाई लेंस बनवा लो। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ पैक सिक्स जिसने शुरुआत की थी, उसी के साथ साथ SOX2 जो कि अभी बना है, इसी के साथ साथ यहाँ पे LMAF, ये तीनों के तीनों मिलके क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। किस चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले हैं लेंस स्पेसिफिक जीन्स, ये यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले लेंस स्पेसिफिक जीन्स को, ऐसे जीन्स जो कि लेंस बनाने वाले हैं, जैसे कि डेल्टा क्रिस्टलीन को ये एक्टिवेट करेंगे, उनसे आरएनए बनाएंगे, उनसे प्रोटीन बनवाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ लेंस होगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो है लेंस की सिंथेसिस हो पाएगी। अगर मैंने कहा समझो इफ पैक सिक्स अगर यहाँ से लॉस्ट हो गया, अगर समझो किसी भी वजह से पैक सिक्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा आई लेंस का, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पैक सिक्स ही नहीं होगा तो कॉम्पिटेंट कैसे हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक और सिचुएशन होती है जब पैक सिक्स म्यूटेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनिरिडिया, ANIRIDIA, एनिरिडिया। जिस कंडीशन में क्या हो जाता है, जिस कंडीशन में लॉस हो जाता है आयरिस का, जो कि हमारी आंखों में प्रेजेंट हो जाता है, या फिर ये रिड्यूस हो जाता है, तो ये भी किसकी वजह से हुआ, अगर पैक सिक्स म्यूटेट हो जाएगा तो। तो पैक सिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कॉम्पिटेंट बना रहा है हमारी आंख, हमारे जो है एक्टोडर्मल सेल्स को।
अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर ये जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं और ये जो पूरी चीज चलती है फिक्स्ड होती है कि हाँ यहीं पे ही होगा, जो हेड एक्टोडर्म का भी रीजन ना फिक्स्ड होता है कि यही वाला जो रीजन है ये कॉम्पिटेंट होगा। ऐसा कैसे मैं बता सकती हूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर देखा, एक एक्सपेरिमेंट देखा था मैंने जिसमें हमने क्या किया, इस तरीके से हमने लिया ये एम्ब्रियो जो कि डेवलप हो रहा है, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर मैंने इस एम्ब्रियो में क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर ये हेड प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्टिकल वेसिकल प्रेजेंट है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल ऑप्टिकल वेसिकल प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ होगी। अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होने वाली है, नॉर्मल ग्रोथ होगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ होने वाली है। ये पहली कंडीशन मैंने ली। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, दूसरी कंडीशन में मैंने यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं ऑप्टिक वेसिकल को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे कोई आई नहीं बनेगी, यहाँ पे नो लेंस इंड्यूस्ड, यहाँ पे लेंस क्या हुए, यहाँ पे लेंस इंड्यूस्ड ही नहीं हुए। तीसरी कंडीशन में क्या किया, तीसरी कंडीशन में मैंने ऑप्टिक वेसिकल को थोड़ा नीचे एक इम्प्लांट कर दिया। यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, यहाँ पर मैंने ऑप्टिक वेसिकल को थोड़ा सा नीचे यहाँ पे पुट कर दिया ओरिजिनल लोकेशन से नीचे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की जो एक्टोडर्म थी वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, एक्टोडर्म जो थी वॉज नॉट कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी कोई लेंस की सिंथेसिस नहीं हुई, कोई लेंस नहीं बनेगा। चौथी कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या किया, चौथी कंडीशन पे यहाँ पर मैंने टिश्यू इम्प्लांट कर दिया अदर देन ऑप्टिक वेसिकल, यहाँ पर मैंने टिश्यू इम्प्लांट कर दिया अदर देन ऑप्टिक वेसिकल, ये सोच के कि शायद यहाँ पे कोई और टिश्यू आके इंड्यूस करवा दे, क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल तो है नहीं लेकिन शायद कोई और करवा दे, तो भी यहाँ पे कोई इंडक्शन नहीं। कहने का क्या मतलब है, मुझे यहाँ से तीन चार बातें पता चली। पहली कि जो एक्टोडर्म है उसके सेल्स स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ भाई यही वाले सेल्स जो है वो सिंथेसाइज करेंगे लेंस को। दूसरी चीज़, जो ऑप्टिक वेसिकल होती है उसकी लोकेशन भी वहीं पे होनी चाहिए, अगर वो कहीं और है तो वो सिंथेसिस नहीं कर पाएगा लेंस की। तीसरी चीज़ है कि अगर मैंने ऑप्टिक वेसिकल की जगह कोई और टिश्यू को इम्प्लांट कर दिया तो वो भी क्या नहीं कर सकता, वो भी यहाँ पे सिंथेसिस नहीं कर सकता है लेंस की। ये चार चीज़ें मुझे इस डायग्राम से पता चली। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। रेसिप्रोकल इंडक्शन का मतलब क्या है कि तुम मुझे इंड्यूस करो फिर मैं तुम्हें इंड्यूस करता हूँ, मतलब इस तरीके से हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब एक बार लेंस फॉर्म हो चुका है, पहले तो लेंस फॉर्म नहीं था, अब यहाँ पर मैंने बोला कि एक बार जब लेंस फॉर्म हो चुका है तो ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस अब फैक्टर्स देगा, ये क्या करेगा, ये कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट करेगा, और ये जो फैक्टर्स हैं किसके पास जाएंगे, अब ये फैक्टर्स ऑप्टिक वेसिकल के पास जाएंगे, मतलब अब ये ऑप्टिक वेसिकल को मैसेज देगा और इनको क्या बोलेगा कि तुम क्या बना लो, तुम ऑप्टिक कप बना लो। ये जो ऑप्टिक कप है ये क्यों बनवाए जाते हैं, क्योंकि जो ऑप्टिक कप है इसी की जो वॉल होती है, ऑप्टिक कप की जो वॉल होती है वो जो दो चीजों में डिफरेंशिएट होती है, एक तो यहाँ पर बनाते हैं पिगमेंटेड रेटिना, एक यहाँ पे बनता है पिगमेंटेड रेटिना, और दूसरा यहाँ पे बनता है न्यूरल रेटिना, न्यूरल रेटिना। तो इस चीज को हम बोलते हैं पहले ऑप्टिकल, ऑप्टिकल वेसिकल ने लेंस बनवाया, फिर लेंस ने ऑप्टिकल वेसिकल से रेटिना की सिंथेसिस की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। और इस तरीके से यहाँ पे पूरा आई का डेवलपमेंट चलता है। अगर मैं आपको फिर से एक बार आई का डेवलपमेंट बता दूं तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, कि इंड्यूसर और कॉम्पिटेंस होता है। इंड्यूसर जो होता है मैसेज देता है और कॉम्पिटेंस जो है उस मैसेज को रिसीव कर सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तीन टाइप के इंड्यूसर्स आए, सबसे पहले आया था मीजोडर्म और एंडोडर्म जिसने मैसेज दिया था जिसकी वजह से OTX2 रिलीज हुआ था, उसके बाद न्यूरल प्लेट ने मैसेज दिया था जिसकी वजह से PAX6 बना था, जिसकी वजह से वो सेल्स कॉम्पिटेंट हुए थे, अभी तक तो वो सेल्स कॉम्पिटेंट नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल्स आई थी जिसने एक्चुअल में मैसेज दिया था दो तरीके से, BMP4 और FGF2 की वजह, FGF8, जिन्होंने SOX और LMAF की सिंथेसिस करवाई है एक्टोडर्मल उन सेल्स में, स्पेसिफिक सेल्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे लेंस की सिंथेसिस होती है और लेंस बनता है, क्योंकि उनके स्पेसिफिक जीन्स बनते हैं। अगर PAX6 लॉस हो गया तो यहाँ पे कंप्लीट लॉस हो जाएगा आई का, और इस तरीके के हमने एक्सपेरिमेंट देखे। इसके अलावा गाइस, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो तो मैं जेनेटिक्स कोर्स शुरू कर रही हूँ 14 अप्रैल से CSIR स्टूडेंट्स के लिए और PhD एंट्रेंस के लिए। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं बंसल बायोलॉजी कोड फॉर 10% डिस्काउंट।
आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच गाइज.